अच्छा मिरेकल ओनली, मतलब पहले ये चुतलाती थी, क्लैरिटी ऑफ वॉइस नहीं थी, लेकिन अब एक महीने के कोर्स में ही लगभग अभी चल रहा है इनका, आवाज में क्लैरिटी आ गई। टोटली बोलती थी, अब वॉइस में क्लैरिटी आ गई। मतलब आपका क्या नाम है? ममता। पहले ये ममता अच्छे से नहीं बोलती थी, मतलब थोड़ा तुतला के बोलती थी। तो हम राजकुमार जी के साथ हैं। राजकुमार जी कुछ बताओ बेटी के बारे में, क्या पहले बोलती, क्या था, किस तरह से चला और अब कैसा लग रहा है? जी बोलती नहीं थी। अच्छा, डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। हाँ, अब बोलने लगी है जी। तो आप बुलवाएंगे थोड़ा सा हमारे साथ, मतलब वो भी हैं जिनकी आवाज़ आ गई है। तो नाम क्या है उनका? पहले नाम बोलती थी, टोटली बोलती थी, अब वॉइस में क्लैरिटी आ गई। मतलब थोड़ी सी, आपका क्या नाम है? ममता। पहले ये ममता अच्छे से नहीं बोलती थी, मतलब थोड़ा तुतला के बोलती थी। सामानों में ऐसे तुतलाती थी जो उसे, फिर भी इसका कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ। अभी दो महीने का ही रिजल्ट है ये, है ना? एक महीने का ही है। अरे वाह, तो देखा, मतलब ऐसा मिरेकल ओनली, मतलब पहले ये तुतलाती थी, क्लैरिटी ऑफ वॉइस नहीं थी, लेकिन अब एक महीने के कोर्स में ही लगभग अभी चल रहा है इनका, आवाज़ में क्लैरिटी आ गई, है ना ममता? ऐसे ही है। हाँ जी। पापा मम्मी का, इन पापा का क्या नाम है? राजकुमार। और मम्मी का? जोर से बोलो। अब अच्छा लग रहा है कुछ कुछ है? तो अभी देखो थोड़ी सी शाय है, लेकिन एक सब मिरेकल ओनली, पहले जिस तरीके से ये नहीं बोल पाती थी, और मतलब एक ऐसी स्थिति भी है, फाइनेंशियली भी थोड़ा सा यहाँ थोड़ी दिक्कत है, परेशानी है, बट फिर भी सारे संघर्षों को देखते हुए और जिस तरह का इनका रिजल्ट आया है वो काबिले तारीफ है। क्या मुनि जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बस कहना क्या है, राजकुमार जी को हमने बताया कि सर आपकी बेटी बोल जाएगी, तो उन्होंने एक भरोसा करा, विश्वास किया, और हम यहीं छत पर बैठे थे और उन्होंने हमसे दवाई मंगवाई और हमने बेटी को दिया था ठंडर और किर्जिडो। अच्छा, जिसकी वजह से आज बेटी साफ बोलने लगी है। और धन्यवाद हो हमारे MD सर का, जिन्होंने इतने बढ़िया जूस और काढ़े बनाए। मैं बार बार नमन करूंगा संजीव सर को कि वो ऐसे ही आगे तक अपने लोगों को बताते रहें और जूस और काढ़े बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मनीष जी। और मैं भी चाहूँगा संजीव सर का, मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो MD हैं AWPL के, और इस तरह से जो आयुर्वेद पर रिसर्च और गहन अध्ययन के साथ लोगों की मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो रही हैं जो कि लाइलाज हैं, मतलब डॉक्टर उनको नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों बस अपने परिवार का इसी तरह से ध्यान रखें।